Pamela G. Oh, we are back with another vlog. ख़वातीनों जरात ओके हाल चाल है ठीक हो ना ख़वातीनों जरात आज का जो व्लॉग है बड़ा स्मैक्सी और सो डिलीशियस होने जा रहा है. क्यों स्मैक्सी और सो डिलीशियस होने जा रहा है आखिर भाई साहब क्यों? क्योंकि स्मैक्सी भाई साहब इसी वजह से होने जा रहा है क्योंकि आप मेरे बैकग्राउंड पर देख लें, ओहो मेरा मतलब कि फ्रंट साइड पर देख लें कि क्या मौसम हुआ यार, जलाली किस्म का मौसम. वो कौन सा परिंदा जा रहा है छोटा सा, लगता किसी का कबूतर उड़ गया और वो वापस नहीं आने वाला. क्यों? क्योंकि भाई साहब जब हवा तेज़ चलती है ना कबूतर उड़ जाते हैं तो वो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है उनके जंगले तक. स्यापा नहीं पाया क्या की देता है. सो लिहाजा ओए यार मौसम कमाल का मौसम है भाई साहब. बारिश हुई हुई है और देखा ना शिकरा कितना गंदा बच्चा हो जाता है बारिश के दिनों में. सो लिहाजा शिकरे की ट्यूनिंग और अपनी ट्यूनिंग, मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी कहा था कि अपनी ट्यूनिंग भी करवानी है मैंने. सो आज हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि भाई साहब बाल छाल कटवाएं, ठीक है. ओहो भाई साहब अभी नाश्ता नुश्ता भी करेंगे, पहले आप जरा बाहर के स्मैक्सी और चमैक्सी से माहौल चेक कर लें. भाई साहब मैं कहता हूँ ठुल्ली ठंडी हवा, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी, बारिश के कतरे और ये क्यारी और ये आँखें ठंडी हरियाली. ओह मैं कहता हूँ कमाल है भाई कमाल है, माशाल्लाह माशाल्लाह. और कल भी जो है ना हमने तोरियाँ तोड़ी हैं, 5-7 तोड़ियाँ जो है ना वो देखो, नहीं आप खुद देखो कितनी बड़ी तोरी वो नुक्कड़ में उगी हुई है. ओ भाई साहब उसको भी तोड़ेंगे, ठीक है. और जो इधर लगी हुई थी इसको पता नहीं तोड़ना है कि नहीं, घर वालों ने मना किया हुआ ये वाली तोरी नहीं तोड़नी, लिहाजा उसको तो तोड़ ही लेंगे भाई साहब. और अभी जी टाइम हुआ चाहता है कि हम कर लें जी नाश्ता. तो नाश्ता हम कहाँ से करेंगे, ठहरो. ओह ये क्या मेरे पाँव में आ गया, अरे बाबा अरे ये किसका गिर गया, अरे बाबा. ओह लड्डो भी आ गई, लड्डो भी आ गई, आ गिर आ गई. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, ध्यान लो जी लड्डो भी आ गई सैर सपाटे करके. सो लिहाजा अभी ऐसा करते हैं कि अभी टाइम हुआ चाहता है नाश्ते का और नाश्ते में हमारे पास क्या है जाके बताता हूँ. आ जाओ हियर वी गो, इधर चेक कर लो ये है जी नाश्ता. आए हाय 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 नाश्ता आज घर वालों ने हमारे लिए स्पेशल सा तैयार किया है जिसमें 2 अदद सूखी सूखी ब्रेड है, आह साथ जी अंडा है, आह साथ है जी चाय, आह साथ है जी ये वाली कौन सी ब्रेड होती है इन पे लगा हुआ है अंडा पहले का ही. सो लिहाजा मक्खन है. चलो अभी इट्स अ उजाड़ा टाइम भाई साहब. अब बनाते हैं जी एक ऑप्टिमम सी बाइट. ऑप्टिमम बाइट बनाने के लिए यहाँ से हमने लेनी है जी ये वाली ब्रेड स्लैस, फिर ये वाली ब्रेड स्लैस, थोड़ी थोड़ी स्लैस यहाँ से लेते हैं ना और फिर इसको करते हैं जी ऐसे मिक्स. अभी इसको ऊपर ही रहने देते हैं, इसमें से थोड़ा सा अंडा, ओए हाय हाय हाफ फ्राई अंडा ताड़े वीरे का फेवरेट है. अंडा लेने के बाद थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं जी मक्खन. मक्खन लेने के बाद बाबा जी इसको करते हैं ऐसे आए, फिर इसको हमने करना है जी चाय में गोते आए आए आए. दिस इज़ द एग्जैक्टिव ऑप्टिमम बाइट. कैसा है, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बड़ा मुंह खोल लें, हियर वी गो. मैं कहता हूँ मज़ेदार. सो लिहाजा अभी नाश्ते का उजाड़ा करने के बाद ना घर वाले कह रहे हैं बाहर जो तोरी लगी हुई ना भाई साहब, या फिर एक दो तोरियां ढूंढ के तो वो तोड़ो. तो जल्दी से हम कहते हैं जी नाश्ता और फिर एक दो तोड़ियां तो तोड़ते हैं तोड़ियां. क्या यार अभी नाश्ते का उजाड़ा करने के बाद कुछ मीठा तो लाजमी है. तो फ्रिज में जी पता चला है कि ओहो हो बादशो इधर चेक कर लो, ओए अल शेख स्वीट की स्पेशल मिठाई. ओ भाई साहब तो इसको खाने का तरीका बता क्या है, ये देखो ऐसे पकड़ा. हाँ मज़ेदार. सो आज हमारे पास मेहमान भी आए हुए हैं हमारे मामू. अस्सलाम वालेकुम मामू. मामू का ना फिल्टर लगा दिया है. मामू की हाल चाल ठीक ठाक फिट फाट? आप गेस करो कि मामू ने बाल कटवाए हैं या फिल्टर लगा हुआ है स्नैपचैट का. मामू जैनमन है या फिल्टर लगाया हुआ है? ये जैनमन है, बाल कटवाए हैं मामू ने. और आज अभी आपको आज हम दिखाते हैं तोरियाँ जो कि हमने तोड़नी हैं तोरियाँ. आज अरे आज यार बाहर क्या हवा चल रही है भाई साहब, क्या मौसम है, पहाड़ी इलाके में जाने की ज़रूरत ही नहीं है रे बाबा. सो लिहाजा वो वाली तोड़ी घर वाले कह रहे हैं कि तोड़ ले, वो नुक्कड़ में लगी हुई है. सो अभी वहाँ तक हमारी रसाई कैसे होगी, कहाँ से जाएगा रे बाबा? इधर से जाएगा. अरे पीते पीते हो जाओ, सब पीते हो जाओ. हाँ भाई तोरी आ जा रही यार, किड्डी वड्डी तोरी. इन्हू किस तरह तोड़ी दा, इन्हू खिंची लाइए तो बस तोड़ी जाती है. वो पूरी वेल आ गई, अल्लाह माफ़ करे यार, मैं ना कैंची से तोड़ता हूँ लेकिन जो है ना आज मैंने खींची है तो वो ना पूरी वेल ही आ गई मेरे हाथ में. तो इसका ठहरो ज़रा यार, कैमरा बंद कर दे, कैमरा बंद कर दे. ओए होए होए भाई साहब यार किड्डी वड्डी होनी, पूरी गद्दी जड़ी रही. ये ऐ चेक करो, नहीं तुम खुद देखो एड्डी वड्डी तोरी. मामू ऐ चेक करो तोरी, वेरी नाइस एंड नॉट एट ऑल. ओए होए 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 एक होर लगी है मामू, अपनी सेल्फियाँ आप ही ले जा रहे हैं बाल कटा के. मैं तुम्हारी फोटो लेना ठहर जो मेरे नाल, बल्कि वो लवो ना फोटो लवो इंज करके सेल्फी तो थंबनेल चलावे यूट्यूब दे मैं मामू.
सो लिहाजा यार अभी जो है ना, मैं तो कहता हूँ कि मौसम बहुत सनेक्सी हुआ है, आउटिंग करने का दिल कर रहा है भाई साहब। मैं जा रहा हूँ शिकरे पे बाहर, और जा रहा हूँ कहाँ पे? सीधा जा रहा हूँ जी बैंक, आहा पेमेंट निकलवाने। तो फिर देखेंगे क्या एक्टिविटी होगी, चलते हैं जी सीधा बैंक। हियर वी गो। अभी हम आ गए जी मिजान बैंक, यहाँ से हम कुछ निकलवाएंगे जी पेमेंट। वाह, पेमेंट वाह कितना निकलवाएंगे ये हम आपको हर चीज़ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? अरे सब्र करो, रुको, ज़रा बताते हैं आपको कितना पेमेंट वाह हमने निकलवाना है। तो निकलवा लेते हैं 24-25 हज़ार निकलवा लेते हैं भाई साहब यहाँ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। अबे नहीं यार, इतना पैसा नहीं निकलवाना। तो भरे तो भा, तो भरे तो भाई, इतना पैसा नहीं निकलवाएगा तो भरे तो भा। सो लिहाजा पहले यहाँ से कार्ड आता है और फिर मैसेज आता है और फिर यहाँ से आती है जी पेमेंट वाह। ओए होए होए, आ जा भी आ जा। ओ भाई साहब, इधर आप चेक कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया निकलवाया, सिर्फ और सिर्फ। ओहो स्यापा पै गया, इतना बड़ा पैसा। चलो भैया अभी चलते हैं, कुछ देखते हैं अभी क्या एक्टिविटी है। स्यापा पै गया, सिर्फ और सिर्फ पैसे तो आ गए ना भाई साहब, वरना पैसा पास खत्म हो गया हुआ था, स्यापा पै गया। अभी आप इधर चेक करो कि बैंक से पेमेंट शेमेंट निकलवा कर हम आ गए हैं जी। बाल छाल कटवाने हैं हमेशा की तरह अदन भाई से। अस्सलाम वालेकुम अदन भाई, कैसे हो? फिट फाट हो यार? बड़े परेशान और काफ़ी दिनों के बाद नज़र आए हो, किधर गायब रहते हो पहले तो ये बताओ, छोड़ गए हो ये दुकान? अच्छा स्यापा पै गया अदन, बस थोड़े थोड़े से करने हैं, ज़्यादा ना काटी, बस थोड़े से ही काटी। हाँ सर, चलो फिर अभी आपको मिलते हैं जी बाल कटवाने के बाद। इधर चेक कर लो, बाल छाल कटवाने के बाद अभी हम आ गए हैं जी कुछ खाना पीना करने, और हमारे साथ हैं जी साथ मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुगल साहब, की हाल है? ठीक हो ना? सो अभी हम अपनी शक्ल बाद में दिखाएंगे, बाल जो हमने कटवाए हुए हैं। पहले आप ये चेक कर लो कि हम खाने के आए हैं। ये जी दाल है जो कि साथ मुगल साहब के घर में बनी थी, ठीक है, उन्होंने टिफ़िन में पैक करवा के, एक हम देसी जो होटल है ना, गोसिया होटल, यहाँ पे आ गए हैं। तो इधर से दाल फ्राई करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या शशके लगाने हैं, अभी ठहर जो अभी बताते हैं आपको क्या शशके होने हैं। इसके अंदर हमने डलवाने हैं जी यहाँ से, ये चेक करो भाई, ये क्या है? छी पटाखा दिम डिम दुमचिया ने शाखा जी है। ओए ओए ओए, फिर उसके बाद अनु भी खोल देना की ये हुए जालमाना अंदाज है यार। बिस्मिल्लाह दी बरकत, की निकलिया? ओए हुए हुए हुए, कबाब ते टिके। ओ भाई साहब क्या बात है। और इसके अलावा साथ मुगल साहब की कह रहे हैं विच की पैना है, अंडे, दो अंडे भी पा दीते जान। ओए हुए, मैं कहना सही कोई जहरीला किस्म का सालन बन गया यार। चलो आजा, इतना मज़ेदार जी तंदूरी रोटियां, तो उत्थे अंदर बह के असी करना है जी उजाड़ा। चलो जी उजाड़े के टाइम हम मिलेंगे। ए तो भाई साहब तैयार हो गया सारा दे सारा। अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये जो डिश है ना, ख़तरनाक और जहरीली किस्म की, इसमें दुमचियाँ, कबाब है, टिक्के हैं, और इसमें दाल है, और इसमें बारबेक्यू है, पता नहीं क्या क्या ऐड करके अंडे शंडे भी डाल दिए थे साथ रहता है, और साथ ही तंदूरी रोटियाँ। अब मेरे बैटरी रह गई है मोबाइल की सिर्फ और सिर्फ 5%। तो अब हम आपको मिलेंगे घर जाकर इसका उजाड़ा करने के बाद। ओके मुगल साहब, आज मिठे की वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि आज बैटरी लो है, तो इट्स अ उजाड़ा टाइम। तो ख़वातीनों हज़रात, अभी मैं घर आ गया हुआ हूँ और मोबाइल हो गया जी चार्ज, और मैं तो कहता हूँ कि मैं भी चार्ज ही हो गया भाई साहब नहाइयाँ धोइयाँ करके। सो लिहाजा बाल छाल कटवा लिए हैं भाई साहब, कैसे लग रहे हैं? ठीक है, इतने दिनों से हमने जो शोर मचाया हुआ था बाल कटवाने लें जी ख़वातीनों हज़रात, हमने बाल कटवा लिए हुए हैं, अब लग रहे हैं ना थोड़े से चमैक्सी और समैक्सी। सो लिहाजा अभी 2 महीने ज़रा सुकून से गुजर जाएंगे, फिर 2 महीने बाद ये बड़े बड़े होंगे ना, फिर 2 महीने बाद जाके कटवाएंगे। सो लिहाजा व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, और व्लॉग का टाइटल हम रखेंगे मैंने और मामू ने बाल कटवा लिए। आए आए आए, मामू ने तो ज़्यादा ही कटवा लिए ना भाई साहब, हमने जो है थोड़े से हल्के हल्के करवाए हैं, आगे चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो ज़्यादा हल्के भी नहीं करवाई है ना, ओके थर्डे वीरे में सर्दी लग जाए। सो लिहाजा मैं तो कहता हूँ कि जो अभी हमने डिश खा ली है ना यार, मेरी आँख में आई थिंक सो दैट ना बाल चला गया। सो लिहाजा वो चेक करते हैं व्लॉग ख़त्म करने के बाद, क्योंकि व्लॉग ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो है ना अल्फाज भी ख़त्म हो रहे हैं कि अभी क्या कहना क्या नहीं कहना समझ नहीं आ रही, और रात के भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। वो तो भरे तो भाई साहब, इस डिश का क्या नाम रखे जो कि हम अभी उजाड़ा करके आए हैं? इस डिश का नाम रखते हैं योमो लोलो पोपो। समझ आ गई? नहीं आई ना? तो भाई साहब डिश की भी समझ नहीं आई कि हमने क्या बनवा के खाया, दाल थी उसमें बारबेक्यू ऐड करवा लिया, दुमचियाँ, कबाब, टिक्के, तो भरे तो बार, नाम की समझ भी नहीं आई, और डिश की भी समझ नहीं आई कि हमने डिनर में किस चीज़ का उजाड़ा किया, स्यापा पै गया। सो लिहाजा व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग देखकर मज़ा नहीं आया होगा। अगर तो आप बदर भाई यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को मस्ट लाइक और कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, मुझे दे दें इजाज़त। औ का फर r